रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी का। पीके जी वेलकम टू रेडियो वाई, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच गुरदीप जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स, सो नाइस ऑफ यू, तुसी इतना बढ़िया प्रोग्राम पेश करते हो और यू आर सो हम्बल ए पर्सन, आई मस्ट से दैट आई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट यू लॉट फ्रॉम बॉटम माई हार्ट। थैंक यू पीके जी, तुसी बहुत बड़े जड़े अल्फाज मेरे वास्ते वरते ने, बहुत शुक्रिया तुहाडी इनकरेजमेंट लई, थैंक यू। नाल नाल मैं स्वागत करना चाहूंगा पंकज मोंगा जी, इकोनमी दी गलबात लैके साडे नाल हाजिर हुंदे ने जी। पंकज जी गुड मॉर्निंग, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुरदीप जी, ते मेरी तरफों भी सब नूं प्यार भरी गुड मॉर्निंग जिन्ने भी सुनने वाले ने जी। जी गुड मॉर्निंग पंकज जी, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा एज यूजुअल ओपनिंग स्टेटमेंट विद पीके जी। पीके जी की कहना चाहोगे जी? बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज सी जी मैं शेयर करनी सी, स्पेशली जो इंटरेस्टेड होने वध्या उहदे बाद जिहड़ी स्टैट्स कैनेडा ने जो स्टैट्स कैनेडा ने जो एक चौंका देने वाली खबर दी है, उन्होंने कहा है कि यह मिथ और यह नरेटिव हैगा जस्ट कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई की वजह नाल जिहड़ा हैगा कारां दे प्राइस वधे ने। उन्होंने दो एग्जाम्पल दिते ने टोरोंटो का वैनकूवर का। उन्होंने कहा कि अगर आई गल होती तो टोरोंटो वैनकूवर जिसके अंदर सब तो ज्यादा प्राइस वधिया है, उसके अंदर जी सप्लाई है पॉपुलेशन तो ज्यादा वधी है, घरों की सप्लाई इन दोनों सिटीज के अंदर पॉपुलेशन तो ज्यादा वधी है, तो इतने फिर प्राइस क्यों वधिया? उन्होंने बड़ा सिंपल एक इसका रीजन था, बिकॉज इट इज ड्यू टू ओवरली लूज एंड चीप क्रेडिट इंटरेस्ट रेट। उन्होंने कहा बहुत सस्ता इंटरेस्ट रेट सीगा और लूज क्रेडिट सीगा, लोग ले लेंदे सीगे, जिहदी वजह नाल इह जिहड़ा हैगा प्राइस वधिया हैगा और घरां दा प्राइस वधिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिता हैगा कि जिस तरह टोरोंटो के अंदर 2019 तो लैके 2021 के अंदर जिहड़ा हैगा पॉपुलेशन जिहड़ी ग्रोथ हुई है वो 84,000 प्लस की हुई है, लगभग 84-85,000 की हुई है। एट द सेम टाइम विच इज अराउंड 1.3% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन एट द सेम टाइम जिहड़े घरां दा स्टॉक जिहड़ा है वो 3.5% इंक्रीज होया है, 61,000 समथिंग, यानी कि एक घर फॉर एवरी 1.3 पीपल, लेकिन एक फैमिली नूं अगर तुसीं 2.5 लोकां दा या 3 लोकां दा मान लैंदे हो तो यह तो बल्कि सप्लाई और ग्रो हुई है। इसी प्रकार उन्होंने वैनकूवर का भी दिता हैगा सेम चीज कि हाउसिंग स्टॉक वधेगा 3.6% जबकि पॉपुलेशन वधी 2.1%। बड़ा क्लीयरली उन्होंने कहा और कुछ इकोनॉमी उत्ते सहमत भी है कि यह जोड़ा है ना दे आर बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, वन इज ओवरली लूज एंड चीप क्रेडिट एंड नंबर टू नरेटिव, सारा सोचना कि सप्लाई घट सप्लाई घट सप्लाई घट। वो कहते ने सस्ता जरा पैसा सी ना उन्हें जरा बंदा नहीं भी लै सकता सीगा उन्हें भी लैन वास्ते मजबूर करता लालच, स्पेशली जिहड़े ने इन्वेस्टर्स कि बहुत सस्ता पैसा ला लो खरीद लो, उस चीज ने डिमांड वधा के इहदे प्राइस नूं वधाया। और जिस तरह पिछली बार मोगा साहब ने कहा सीगा आई फुली एग्री, और मैं भी वो आर्टिकल पढ़ रहा सीगा स्कॉशिया बैंक का, स्कॉशिया बैंक ने बड़ा क्लीयर कहता सीगा कि भई यह जिहड़ा हैगा इंटरेस्ट रेट जिहड़ा हैगा वो अगर तुसीं इहनूं रोकना तां इन दे शुड कीप द इंटरेस्ट रेट हाई। ए कुछ एह जी गल तुसीं कीती सी मोगा साहब, तुहानूं याद होगा लास्ट टाइम स्कॉशिया बैंक ने कहा सी इंटरेस्ट रेट नीड टू सर्ज हायर टू स्टेबलाइज हाउसिंग, राइट? ते ए कुछ गल्लां बिल्कुल सोच दे अगेंस्ट ही जिहड़ी मैं गल करना चाहुंदा सीगा। थैंक यू जी पीके जी, अज तुसीं बड़ी इंटरेस्टिंग इनफॉर्मेशन दित्ती है। सो पहला तो सारा जिहड़ा ट्रेंड सी इहो ही कह रहा सी कि जिहड़ा जिहड़ी इमीग्रेशन है वो काफी ज्यादा हो रही है, डिमांड वध रही है ते लेकिन सप्लाई ओनी नहीं है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सारा अज तुसीं इनफॉर्मेशन दित्ती है, इहदे बारे होर भी गल करदे हां, लेकिन पहला मैं पंकज जी की ओपनिंग स्टेटमेंट जिहड़ी ओह लवां। पंकज जी की कहना चाहोगे सर? जी बिल्कुल गुरदीप जी, मैं ना पीके जी की गल ही हूं कंटिन्यू कर देना, मेरे माइंड च कुछ होर सी, मैं कुछ होर कहना चाह रहा थी, लेकिन पीके जी ने इन्नी इंटरेस्टिंग गल की है कि मैं ऐसे नू ही आपकी स्टेटमेंट बनाना चाहवागा। जाके हो की रहा जिवें पीके जी कह रहे थे, जो इंटरेस्ट रेट बंद किया इन्होंने वधाना जनवरी की, जो इन्होंने कहता कि असं पॉज लै रहे हैं, और पॉज लैन का मेन रीजन वन ऑफ द मेन रीजन, मैं सारे रीजन नहीं, वन ऑफ द मेन रीजन ये भी सीगा कि हाउसिंग मार्केट उसले गिरनी शुरू हो गई सी, तुहानू ध्यान होगा उनके प्राइस थले आने शुरू हो गए थे, सो दे डिडंट वांट कि कोलैप्स हो जाए हाउसिंग मार्केट कैनेडा की, सो उस वजह नाल भी एक और रीजन सीगा उसले रोकन का। हुण वधान का रीजन भी हाउसिंग एक मेन रीजन है उनके, जो उन्होंने दोबारा शुरू किया
क्योंकि बिडिंग वॉर शुरू हो गई, इंटरेस्ट रेट एना होने तो बाद भी प्राइजेस बढ़ने शुरू हो गए। सो एनी अगर उनके स्ट्रेंथ हैगी हाउसिंग मार्केट तो इन्हों कोई प्रॉब्लम ही नहीं हैगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने च, फिर तो लाइक अगर ऐसे तरह वादा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे वास्ते इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया थी बड़े कॉन्फिडेंटली कि हाउसिंग मार्केट में कुछ नहीं होने लग्या, और अगर थोड़ा जहा बहुत झटका दे सकन तो दे देंगे, नहीं तो अगर वो एनी स्ट्रेंथ चलती पी है तो दे आर वेरी ईजी टू इनक्रीज। सो बाकी जगह से की हो रहा है गुरदीप जी, मैं कहांगा कि बैंक ऑफ कैनेडा तो एक्चुअली डर्टी वर्क करता पाया इस वे बाकी साड़ी गवर्नमेंट का बेसिकली, क्योंकि फिजिकल दो तरह दियां पॉलिसीज होंदियां ने जी गुरदीप जी, एक होंदी है मॉनिटरी पॉलिसी, एक होंदी है फिजिकल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है जिहड़ा बैंक करता है, बैंक ऑफ कैनेडा जिहड़ा मॉनिटरी पॉलिसी उहदे च इंटरस्ट रेट वधाना घटाना, एसेट बाइंग, ट्रैशरी बोंड्स, ये सारिया चीजा वो बैंक ऑफ कैनेडा की मॉनिटरी पॉलिसी होंदी है। फिजिकल पॉलिसी जिहड़ी होंदी है वो साड़ी प्रोविंशियल ते फेडरल गवर्नमेंट तरफों होती है, मतलब गवर्नमेंट जड़ियां चीजा ले आती है फिजिकल पॉलिसी ले आती है। सो एक पासे तो असी मॉनिटरी पॉलिसी तो यह चाह रही है कि टाइटनिंग की जाए मार्केट, ठीक है जी, बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा मार्केट है गया, इनफ्लेशन वधी पी है, लेकिन फिजिकल साइड तो मतलब पोलिटिकल साइड तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं मिलती पी है, क्योंकि उत्थे जिहड़े प्रोग्राम चलते पे ने एवें चलते पे ने उथे। सो वी नीड टू एक्चुअली अदर इंटरस्ट रेट नू वधना होर नहीं देखना चाहते तुसी भाई इत्थे ही रुक जाए या एक अद्धा वधा के वह रोक देन, तो सानू फिजिकल पॉलिसी चाहिए पोलिटिकल लोगों तो, ये जिहड़े साडे प्रीमियर बैठे ने या प्राइम मिनिस्टर बैठे ने, इन्हां नू जिहड़ियां फंडिंग चल रही ने या कुछ होर उधरों भी इन्हां नू क्लोज करनिया पैणगियां, नहीं तो असीं इंटरस्ट रेट एवें वधदे हुए देखांगे होर वधनगे हले। और जिवें पीके जी ने हुणे जिवें किहा स्कोशिया बैंक या बाकी इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहे ने दे हैव टू कीप इट लोंगर टाइम, क्योंकि ये नहीं है, ये ना सोचो तुसी भी आ गया जी हुण तक खत्म हो जाएगा, साडी इकोनॉमी च इन्नी स्ट्रेंथ हैगी इस वेले कि इन्नी जल्दी थले आन की चीज नहीं लगती पई, क्योंकि साडा हुण देखो जदों भी कंपैरिजन किया जाता है गुरदीप जी इनफ्लेशन का, असी हुण जिवें 4.4% 4.4% कितों का, केड़ा 4.4%, मतलब पिछले अप्रैल का, पिछले अप्रैल तो असी एस अप्रैल 12 महीने नू कंपेयर करें, पिछले अप्रैल तो एस अप्रैल 4.5% वध गई है, लेकिन वो जिहड़े पिछले अप्रैल च वध चुकी सी या हुण जिहड़ा अगा अक्टूबर नवंबर आवेगा दिसंबर, असी वैसे ही बहुत ज्यादा सी उदों तो उहदे नाल कंपैरिजन होवेगा। हुण तां सानू डिफलेशन चाहीदी है बेसिकली, डिफलेशन का मतलब होएगा भी पिछले अक्टूबर च भी जिहड़े वधे सीगे उस तों भी थले जाने पे आ, तो चीज सानू चाहिए उनके वास्ते की चाहिए इंटरस्ट रेट, वी नीड टू कीप इट लोंगर टाइम, अगर असी शॉर्ट टाइम च इंटरस्ट रेट रख के बाहर आ गए तो फिर तो यह बढ़ना शुरू हो जाएगा, वी कैन गो इन ए वेरी डीप रिसेशन। सो ये सारिया चीजा देखते हुए बड़ा ही मेरे हिसाब न हुण पोलिटिकल पार्टीज भी समझ जाना चाहिए, साडी गवर्नमेंट्स भी समझ जाना चाहिए कि जो डर्टी वर्क बैंक ऑफ कैनेडा करने की कोशिश कर रहा है दे हैव टू गो अलोंग, अदरवाइज साडी कंट्री वास्ते ये प्रॉब्लम बनती जा रही है जी। सर मैं कल राती यस्टरडे राती मैं आई हैड ए डिनर एक प्रोमिनेंट जगह के अंदर, उत्थे आई वाज फॉर्चुनेट टू मीट फ्यू इकोनॉमिस्ट, मेरे फेवरेट भी थे एक दसी कि उन्होंने, मैं गल कर रहा सीगा ते बस ओपनली उन्होंने आई थोड़ी डर्टी वर्क वाली गल की, उन्होंने कहा नाउ द गवर्नमेंट नीड टू स्टेप इन, सिद्ध कला बैंक ऑफ कैनेडा के उत्ते ना छड़ देन, उन्होंने उन्होंने लूज ना कर देन, कि उन्होंने तो अपने आप प्रूव करवाते कर देना जो करना है, देखो जी ऐ करता वो करता, नाउ दिस इज द टाइम था गवर्नमेंट टू स्टेप इन एंड अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए उन्होंने कम करना चाहिए उसके अंदर, मतलब कि ए थोड़ी गल बिल्कुल वो जिस तरह एक और इकोनॉमिस्ट ने गल कर रही थी, उन्होंने रिपोर्ट भी आ गई फ्रांसिस डोनल्ड सिंह की, उत्थे उन्होंने कहा कि इन्हों समझ आना चाहिए दे आर रियल पीपल हु आर सफरिंग, तुसी अपने डाटा शाटा नू लेके बैठे हुए हो, थिंक अबाउट द पीपल हु आर सफरिंग नाउ, हु विल पे द प्राइस फॉर ऑल दीज थिंग्स, अल्टीमेटली इन्ना वड्डा प्राइस आम लोग इधर दे बैठे ने या होर देंगे या रिकवरी कर देने, बेशक जो मर्जी रिकवरी कर देने वो हिस्ट्री बन के रह जाएगी, आम आदमी सफर कर गया, बैंकरप्सियां शुरू हो गई ने, दे हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, ए बड़ी खुल के गल गल हुई है, मेरा कल का डिनर सकारथा हो गया जिन्होंने ना पंजाबी सकारथा हो गया जब इन्हों मैं गलां कल सुनिया, दे आर आर रियल पीपल आउट सिटिंग देयर, इन्हों जी सोच लेंगे तो दे विल कम अप विथ सम अदर आल्टरनेटिव।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਯੂਜ਼ ਸਮ ਅਦਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੀ ਛੱਡਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ US ਡਾਲਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਾਊਂਡ $1 million ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਸੋ ਸਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੀਕੇ ਜੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੋ ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਸਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਅਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਡਿਕੇਡ 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 22-23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿੰਸ 2001 ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 6% 5% ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਅਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਯੈਸ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸਾਊਥ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਰ ਅਗਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵੁਡ ਗੋ ਫਾਰ ਵਿਦ ਸਕੋਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਏਗਾ ਥੱਲੇ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਫਾਰ ਸ਼ੋਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਓ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਅ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 6472994757 6472994757
5-7 मैं दस दिया प्रोजेक्ट सारे ही लगभग अवेलेबल ने, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर तुम मैं लोग आगे कहने जी अवेलेबल नहीं है मैं दिलाओगे, मैं 100% दिला देंगे, घर जाके भी लाके यूनिट आके दे देंगे, लेकिन मैं इको थोड़े को चाहिए हैगी कि यू हैव टू बी कमिटेड टू मी। इफ यू आर नॉट कमिटेड टू मी हाउ कैन यू एक्सपैक्ट आई विल बी कमिटेड टू यू। अगर तुम मैं सबू कई बार पता चल जाता, कई बार लिसनर के अंदर भी मैं दस दिया असं उन्होंने मना कर देने कि जी साढ़े को यूनिट नहीं है, क्योंकि सबू पता चलता कि गल करके सारा स्क्रिप्ट एवं जहाँ सारा सिस्टम एवं जहाँगा सबू समझ आ जाती है कि दिस गाय इज शॉपिंग अराउंड। वंस यू आर शॉपिंग अराउंड या दैट मीन तुम किसी सगे हो ही नहीं, अगर तुम किसी सगे नहीं आगे तो हाउ कैन यू एक्सपैक्ट कि मैं चेयरमैन के घर जाके थोड़ा से यूनिट लेके आवाँगा। अवेलेबल होगा तो दे देंगे पर मेहनत नहीं करेंगे। व्हाट आई वांट टू से इज कम टू मी, टॉक टू मी एंड डिस्कस विद मी योर सिचुएशन एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। वन विंडो सर्विस 647-299-4757।